आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है या फिर आपकी काम वाली बाई ठीक से काम नहीं कर रही है, आपकी जॉब में आपका मैनेजर या आपके बॉस से आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, या फिर बिजनेस में आपके सेल्समैन सही नहीं है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम तो है, लेकिन दोस्तों यदि प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ है तो उसमें से निकलना पार्ट ऑफ लाइफ है। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वीडियो लेके आने वाली हूँ। दोस्तों मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर माधुरी सारडा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो वादे के मुताबिक आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर है और हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। फ्रेंड्स देखिए, प्रॉब्लम तो है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में रोज आती है, लेकिन कुछ समस्याएं रोज मुंह उठा के चली आती है। उन समस्याओं का क्या? तो उन समस्याओं को सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, पक्का है, और इसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। जब आपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया तब आपको उसको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, मतलब उसको कल पर नहीं टालना है कि देखा जाएगा सोचते हैं, क्योंकि जितना आप समस्या को टालेंगे उतना ही समस्या आपकी विशाल रूप लेंगी, बड़ा रूप लेने लग जाएंगी, और जितनी भी समस्या वो बड़ी होती जाएंगी आपको उसे सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा और ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसे डिले मत कीजिए। अब जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच ली है तो आपको उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचना है कि मतलब ये समस्या आई कहाँ से है, क्यों आई है। इसके लिए आपको फाइव व्हाई को यूज करना है। फाइव व्हाई कौन से है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे यदि आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो आपको देखना है कि आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया है। इसके लिए हम यहाँ पर फाइव व्हाई का रूल अप्लाई करके देखते हैं। बच्चे का रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं आया है क्योंकि बच्चे का मैथ्स सब्जेक्ट में मार्क्स कम है। बच्चे का मैथ सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों आया है? क्योंकि बच्चे ने मैथ्स में बहुत ही उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है और बिल्कुल भी उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। बच्चे ने पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि उसका मैथ सब्जेक्ट बहुत पुअर है। मैथ सब्जेक्ट पुअर क्यों है? क्योंकि उसे मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उसे मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब पहुँचे कि बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन ये निकला कि बच्चे के लिए कुछ सोल्यूशन निकाले जाए, या तो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए, या फिर उसे घर में ही ठीक से पढ़ाया जाए, या फिर उसकी ट्यूशन लगाई जाए। और जब ये सोल्यूशन निकला तो उसमें से एक सोल्यूशन पर अमल किया गया और बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी समस्या को पांच भाई लगाना है। इसके बाद में जब आपने समस्या को सोच लिया और पांच भाई के द्वारा पता चल गया है कि क्या कारण है, तो अब आपको सोल्यूशन पर काम करना है। तो सोल्यूशंस के लिए आपको लिखना है, क्योंकि आपको क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं उस सोल्यूशन के लिए, क्योंकि लिखने से आपका बहुत सारे फायदे हैं। लिखने से आप उस समस्या को समझ पाओगे, उसमें कितना समय लग रहा है वो जान पाओगे, उसके लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, आपको आगे क्या करना है वो आप सोच पाओगे, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, कहीं जाना है, आना है। तो जब आप लिख लेते हो तो वो चीज़ के लिए आप आगे का प्लान सोच पाते हो और आपको कितना समय लगने वाला है वो भी आपको पता चल जाता है, वो भी आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से लिखने से बहुत सारे फायदे हैं। अब आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाएंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स तो आप केवल बातचीत के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी डिबेट के द्वारा भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। यदि आप कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले लेते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो समस्या सुलझ सकती है और इससे आप में साहस भी पैदा होता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। थर्ड पॉइंट है रिसर्च। कई बार हमें किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ खोजबीन करनी पड़ सकती है, कुछ रिसर्च करने पड़ते हैं समस्या की तह तक पहुँचने के लिए या फिर और उसे सुलझाने के लिए। तो कई बार रिसर्च से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
इसके अलावा आप कभी कभी टीम वर्क के थ्रू भी समस्याएं सॉल्व होती है, आप अपने परिवार वालों का या फिर आपके टीम मेंबर्स का या फिर फ्रेंड्स का हेल्प लेकर, उनका सपोर्ट लेकर भी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, या कभी कभी समस्याओं को फ्रीली वक्त के साथ छोड़ देने से भी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से ये 4-5 पॉइंट्स थे और आप अपने तरीके से भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का वीडियो। यदि आपको पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।